बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो थ्योरम है 8.3, उसमें हम पढ़ेंगे कि इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कि किसी भी ट्राइंगल में आप जब किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर को प्लस करते हैं वो इक्वल होगा थर्ड साइड के स्क्वायर को डबल करके और उसके साथ जो मीडियन होता है थर्ड साइड पे उसका स्क्वायर डबल करके, उन दोनों को प्लस करके उसके बराबर होगा। कैसे, जरा देखें। इसके लिए फिर से हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, अच्छा ये हमारे पास हो गए दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल एबीसी और ये भी ट्राइंगल एबीसी। इसको मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया और इसको मैंने ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाया। अगर इसमें किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर को प्लस किया जाए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लेकिन हम दो सेलेक्ट करते हैं प्रूफ करने के लिए। मान ले मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे का हाफ। तीसरे का हाफ कितना है, तीसरे का हाफ इतना है यहां पे जब ए बी सी डी, ठीक है हाफ। तो ये जब इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसका मीडियन हो जाएगा और इसका हाफ भी लेते हैं। सपोज इसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसका मीडियन ड्रा किया। जो प्रूफ करना है वो मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, हम प्रूफ करेंगे कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी डी या टू बी डी, एक लेंगे या ये टू सी डी स्क्वायर प्लस टू ए डी स्क्वायर। अब ये चीज दोनों के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैंने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर, और मुझे यहां पर पॉइंट ई मिला, ठीक है। यहां पर मैं बिल्कुल इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, लेकिन पहले इसको प्रोड्यूस करूंगा बियॉन्ड बी, फिर उसके बाद मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा। समझ आ रही है, ये चूंकि परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। हम ये प्रूफ करेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये मिटाऊंगा, समझाने के लिए लिखा था, बाद में फिर से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा गिवन लिखते हैं, हमारे पास अ ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल या ये ट्राइंगल एन विच डी इज मेड पॉइंट, इसमें भी इसमें भी। अब सी बी यानी कि सी डी इज इक्वल टू बी डी, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। ए डी इज मीडियन फ्रॉम ए टू डी, इसमें भी इसमें भी। हमने ये जो बात लिखी गेवन की, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अच्छा अब हम लिखते हैं टू प्रूफ, हमने प्रूफ करना है क्या, मैयर ऑफ ए सी प्लस मैयर ऑफ वाया ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, हाँ होल स्क्वायर प्लस टू मैयर ऑफ गुड होल स्क्वायर, ठीक है। हम ये प्रूफ करेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन किया बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 8.2 थ्योरम में किया था। इसको फिगर ए का नाम दे दे, इसको फिगर बी का नाम दे दे, ठीक है। यह है फिगर ए, आगे से अगर मैं कुछ लिखता हूं या बात करता हूं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा फिगर ए, या इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा फिगर बी, ठीक है। अच्छा हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस सी बी बियॉन्ड बी फिगर बी में एंड ड्रा ए ई परपेंडिकुलर ऑन सी बी फ्रॉम ए। अब यहां पर हमारे पास इसके अंदर थ्री ट्राइंगल्स ले लें, एक ट्राइंगल ए ई सी, दूसरा ट्राइंगल ए ई डी ये वाला, तीसरा ट्राइंगल ए ई बी। समझ आ रही है, बारी बारी तीनों को यहां पर लिखते हैं। पहले मैंने लिखा ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि ए ई इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी, ए ई इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी, इसी वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जरा देखें
तो फिर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ सी ई होल स्क्वायर, इसके सामने लिखेंगे पिथागोरस थ्योरम। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल। ये हमारे पास हुआ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे ट्राइंगल की तरफ आ जाएं, ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए ई डी इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई डी इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वही चीज बिल्कुल, ए ई इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी, दोनों फिगर्स के लिए एक ही बात है। अच्छा, जब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर से इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कर सकते हैं इस तरह, मेजर ऑफ ए डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर मेजर ऑफ डी ई होल स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन टू, इसके सामने भी लिखे पिथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसी तरह ट्राइंगल ए ई बी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ई बी इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, सामने लिख लें ए ई परपेंडिकुलर ऑन सी बी। हाँ जी, तो जब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए ई मेजर ऑफ ई बी होल स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि इन तीनों का आगे जरूरत पड़ने वाला है, तो हम लिखेंगे पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इनको इन जगह पे छोड़ दें, आ जाए इसकी तरफ, ये टू प्रूफ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहां पे देखें ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को प्लस करने से मुझे कुछ ना कुछ ये मिलता नजर आ जाएगा। तो मैं इस तरह करूंगा, इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, तो मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों आ गए। फिर इक्वल, इक्वल के बाद ये दोनों, मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर मेजर ऑफ सी ई होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ई बी होल स्क्वायर, सामने क्या लिखूंगा, एडिंग वन एंड थ्री, इक्वेशन वन और थ्री को मैंने एड किया। अच्छा, अब ये अपनी जगह पे नीचे आ जाएगा, मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर टू ए ई स्क्वायर हो जाएगा ना, टू मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर, और ये अपनी जगह पे मेजर ऑफ सी ई होल स्क्वायर मेजर ऑफ ई बी होल स्क्वायर, ठीक है। हमने ना एडिशन किया, बस एडिशन ऑफ टर्म्स, एडिशन ऑफ टर्म्स हमने इधर पे टर्म्स का एडिशन किया, तो बस हमें ये मिला। इसको देखिए सी ई, इसमें देखिए जरा सी ई यहां से यहां तक है कि नहीं है। तो अगर मैं लिखूं कि सी डी प्लस डी ई, तो सी ई के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा मेजर ए सी होल स्क्वायर अपनी जगह पे, मेजर ए बी होल स्क्वायर अपनी जगह पे, टू मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर अपनी जगह पे, सी ई की जगह पे मैं लिखूंगा सी डी प्लस डी ई, सी डी प्लस डी ई, मेजर ऑफ सी डी प्लस मेजर ऑफ डी ई
ये लिख सकता हूं और होल स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। ई बी को देख लें गौर से, ये मेरे पास है ई बी। अगर ई बी की जगह पे मैं ये लिखूं कि पूरा बी डी या डी बी, ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है, अगर इसी पूरे लाइन सेगमेंट से, ये पूरे लाइन सेगमेंट से अगर ये माइनस किया जाए तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं लिखता हूं ई बी की जगह पे, इसकी जगह पे, कि ये माइनस ये इज इक्वल टू ये। सीधी सी बात है ना, देखिए पूरा मार्कर है, पूरे मार्कर का हम इसका मैथमेटिक्स निकालना चाहते हैं, ब्लैक हिस्से का, पूरा मार्कर माइनस ये वाइट हिस्सा, तो ये रह जाएगा ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये पूरा माइनस ये इज इक्वल टू ये, तो मैंने लिखा प्लस मेजर ऑफ डी बी माइनस मेजर ऑफ डी ई, मेजर ऑफ सी ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी माइनस मेजर ऑफ डी ई, और मेजर ऑफ ई बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी डी, हाँ आधा प्लस नहीं प्लस डी बी माइनस मेजर ऑफ डी ई। ठीक है, इसके सामने हमने ये लिखा जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया। इधर एक और बात देख लें, सी ई को चाहे आप ऊपर वाले फिगर में देखते हैं चाहे आप नीचे वाले में देखते हैं, दोनों में सेम है, लेकिन ई बी को आप ऊपर वाले में देखें तो डी बी माइनस डी ई, डी बी माइनस डी ई, लेकिन नीचे वाले में देखें बी ई तो ये क्या होगा, वो होगा डी ई माइनस डी बी, मतलब इसका उलट है। ठीक है, ये माइनस ये, तो नीचे वाले फिगर में ये माइनस ये, लेकिन जिस चीज का स्क्वायर होता है उसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 3 माइनस 1 होल स्क्वायर या 1 माइनस 3 होल स्क्वायर आप कर ले, उससे 7 सब मिलेगा। लिहाजा ये दोनों फिगर के लिए ऊपर नीचे करने से स्क्वायर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये हम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, थीके? अच्छा अब यहां पर एक और चीज है, इसको मैं अपनी जगह पर नीचे लाता हूं। मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर, मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर, 2 मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर, मेजर ऑफ सी डी प्लस मेजर ऑफ डी ई। यहां तक तो मैंने अपनी जगह पे लिखा, प्लस बी डी बराबर है किस चीज का, सी डी का, और प्लस सॉरी माइनस मेजर ऑफ डी ई होल स्क्वायर। हमने क्या किया, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये दोनों अपनी जगह, सिर्फ बी डी की जगह पे सी डी लिखा, तो देखिए ये बी डी इसके बराबर है कि नहीं है, ये बी डी इसके बराबर है कि नहीं है, लिहाजा कहीं पे बी डी की जगह पे आप सी डी लगा सकते हैं, कहीं पे सी डी की जगह पे आप बी डी लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि मेजर ऑफ बी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी डी, ये दोनों इक्वल है इसी वजह से। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों अपनी जगह पे आ जाएंगे, मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर, मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर, 2 मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। सामने लिखेंगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर। वैसे तो फार्मूले में ये कॉमन होता है 2 इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आसानी के लिए मैंने इस तरह लिख लिया। ठीक है, अगर यहां पर माइनस हो तो फिर ये 4 ए बी के बराबर होता है। अच्छा अब इस तरह कर लें, ए ई स्क्वायर डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर डी ई स्क्वायर, तो अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये दोनों अपनी जगह पर लाएं, मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर, मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, और ये एक साथ लाएं। ठीक है, ये दोनों की तरह 2 मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर, 2 मेजर ऑफ डी ई होल स्क्वायर, 2 मेजर ऑफ सी डी होल स्क्वायर, रीअरेंजिंग द टर्म्स। अब ये अपनी जगह पे नीचे लाएं, मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर, मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल दें, मेजर ऑफ ए ई होल स्क्वायर, मेजर ऑफ डी ई होल स्क्वायर, मेजर ऑफ सी डी होल स्क्वायर, टेकिंग 2 कॉमन। टू को हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है,
अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन फोर का नाम दे दिया, इक्वेशन फोर। अब क्या करें, ये इक्वेशन टू इसके अंदर पुट करें। कैसे पुट करें, ये दोनों अपनी जगह पे लाएं, मेजर ऑफ ए सी होल स्क्वायर, मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर, टू अपनी जगह पे, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर किस चीज के बराबर है, ए डी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, और ये अपनी जगह पे। पुटिंग इक्वेशन वन एंड फोर, इक्वेशन वन को मैंने इक्वेशन फोर में पुट किया, तो आप जरा इसको देख लें और इसको देख लें, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, टू ए डी स्क्वायर प्लस टू सी डी स्क्वायर, टू सी डी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर, कमोटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, खबर खत्म। तो मेयर ए सी होल स्क्वायर, मेयर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू मेयर सी डी होल स्क्वायर टू मेयर, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। फिर से देख लें, मेरे पास है दो ट्राइंगल्स एबीसी और एबीसी, इसमें हमने मीडियन ड्रा किया, इसमें भी हमने मीडियन ड्रा किया, हमने प्रूफ करना था कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू टू इसका स्क्वायर प्लस टू इसका स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी वही चीज बनता है। हमने वो लिखा कंस्ट्रक्शन में, हमने थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसमें भी ड्रा किया। फिर ट्रिक ये याद रखें, इसको देख लें ऊपर वाले को, ये ट्राइंगल, इसमें तीनों ट्राइंगल, इस ग्रीन लाइन को आप कंसिडर करें, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन के साथ ये ले लें तो आपके साथ ये वाला ट्राइंगल, फिर ग्रीन के साथ ये तो आपके साथ ये वाला ट्राइंगल, फिर ग्रीन के साथ ये तो ये वाला ट्राइंगल, ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है कि नहीं है। ठीक है, जब तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है तो तीनों पर पिथागोरस थ्योरम में अप्लाई किया। फिर मैंने क्या किया, इसको देखा तो ए सी और ए बी वाले को मैंने प्लस किया, वन और थ्री को मैंने प्लस किया, जब प्लस किया तो ये अपनी जगह पे आया, और इन दोनों को प्लस किया और ये अपनी जगह पे आ गए, फिर उसके बाद ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, और ये सेगमेंट एडिशन अगर आप उधर देखेंगे, ठीक है, ये ऊपर नीचे दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है, और इसमें ऊपर नीचे के लिए एक में बी डी माइनस डी तो दूसरे में डी माइनस बी डी, तो आप जो भी लिखें सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, और इसकी जगह पे सी डी लगाया क्योंकि मिड पॉइंट की वजह से बी डी और सी डी इक्वल है, ये अपनी जगह पे आया। ठीक है, उसके बाद ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रीअरेंजमेंट किया, टू कॉमन निकाल दिया, टू कॉमन निकालने के बाद इसकी जगह पे ये पुट किया और ये मुझे थ्योरम मिला, ये बात खत्म। कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू।